छत्तीसगढ़ में इन दिनों 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला भाजपा ने महाधरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। प्रवर्तन निदेशालय की विवेचना के दौरान प्रदेश कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के नजदीकी समर्थक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से 2000 करोड़ रुपए का शराब महाघोटाला उजागर हुआ है, जिस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दुर्ग जिला भाजपा संगठन द्वारा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसी कड़ी में भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जिला स्तर पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। ये प्रदर्शन होना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है वो वास्तव में अत्याचारी कर रही है। 2000 करोड़ रुपए की शराब घोटाले को लेकर भी वो अभी तक के सचेत नहीं हुए। प्रदेश सरकार के 2000 करोड़ रुपया के आबकारी नीति में घोटाला हुआ है, ईडी के द्वारा प्रमाण दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा और इनके सारे मंत्रियों द्वारा लगातार बोला जाता था कि ईडी के छापे पड़े हैं, कोई प्रमाण नहीं। तो 2000 करोड़ के प्रमाण मिले हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का सीधा सीधा संलिप्तता दिखा है और कई करोड़ रुपये को कुर्क किया गया है। इसमें इनके जिम्मेदार विधायक लोगों के भी नाम हैं और बड़े बड़े आईएएस के भी नाम हैं, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आबकारी मंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। वैसे इन लोगों ने जन घोषणा पत्र जब जारी किए थे गंगा जल को लेकर के, तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के वादे किए थे, लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के पहचान छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया था, उसको मिटा करके दारू बेचक का पहचान बनाए हैं। और यही लोग हैं जो झारखंड में कैसे ज़्यादा शराब बिकना चाहिए उसके ट्रेनिंग देते हैं। शर्मनाक बात है, मैं निंदा करता हूँ और सारे जिम्मेदार लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।